उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन का जिम्मा सेना संभाल सकती है, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑगर मशीन के नाकाम होने के बाद और ड्रिल के दौरान ऑगर मशीन के मलबे में फंस जाने की वजह से सुरंग में ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो गया है और अब सेना की मदद ली जाएगी और अब सेना ये मैनुअल ड्रिलिंग करती हुई दिखाई देगी। भारतीय सेना के मद्रास सैपर्स के जवान कुछ और बचाव कर्मियों के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे और इसके लिए 20 विशेष लोगों को बुलाया गया है। मौके पर प्लाज्मा कटर पहुंच चुका है जिससे कि ऑगर मशीन के ब्लेड को काटना शुरू कर दिया है। ये बड़ी अपडेट है, आपको बता दें तमाम बाधाओं के बाद, तमाम अड़चनों के बाद अब सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगाया जाएगा। सेना के साथ 20 विशेषज्ञों की टीम भी होगी। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन का जिम्मा सेना संभाल सकती है, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ऑगर मशीन नाकाम हो गई, ऑगर मशीन के ब्लेड्स फंस गए, ड्रिल के दौरान ऑगर मशीन के मलबे में फंस जाने की वजह से सुरंग में ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो गया था और यही वजह है कि अब सेना की मदद से मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी। और पिछले 15 दिनों से सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की जद्दोजहद जारी है। मजदूरों को निकालने के लिए अब नए प्लान पर काम किया जा रहा है। रेस्क्यू के लिए पहले ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया गया था जो कि खराब हो गई। इसके बाद दिल्ली से एक और ऑगर मशीन मंगवाई गई जिसके ब्लेड टूट गए और खुदाई का काम रुक गया, जिसके बाद ऑगर मशीन का इस्तेमाल न करने का फैसला लिया गया। अब सेना की मदद से मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी नजर बनाए हुए हैं और पीएम रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, आप किस तरीके से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, ऑगर मशीन नाकाम हो गई है क्योंकि हार्ड रॉक है और ऐसे में ये हार्ड रॉक के आगे ऑगर मशीन भी फेल साबित हुई है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख कर लेंगे, हमारी सहयोगी प्रियंका लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही हैं। प्रियंका, टफ सिचुएशंस दिन पर दिन होती चली जा रही हैं लेकिन अब सेना के भरोसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन। जी बिल्कुल, सेना जो है सेना के सुपरविजन में लेकिन सिविलियंस भी साथ होंगे, दोनों का मिलकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो करा जाएगा। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ऑगर मशीन ने अपना काम बहुत हद तक किया है। जो 45 मीटर की जो दूरी कब मलबे में तय की है वो ऑगर मशीन की वजह से ही हुई है और अभी भी ऑगर मशीन का काम खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ ऑगर मशीन के ब्लेड्स का इस्तेमाल नहीं होगा जो कि फंसी हुई है। अभी जो पूरा काम रुका हुआ है वो इसी वजह से रुका हुआ है कि जो ब्लेड्स फंसी हुई है उनको काटने में समय लग रहा है। हालांकि अब प्लाज्मा कटर भी यहाँ पर रात के सुबह तड़के 2-3 बजे पहुंच गया है। यहां पर और कटर्स हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं, उनसे फिलहाल उन ब्लेड्स को काटा जा रहा है। इन ब्लेड्स को काटे जाने के बाद पूरी तरीके से पाइप से बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग का काम जो है वो शुरू होगा। सेना की जो टुकड़ी है मद्रास सैपर्स, उनके कुछ जवान होंगे, 20 स्पेशलाइज लोग बुलवाए गए हैं दिल्ली से, वो तमाम लोग होंगे। मैं आपको जरा दिखाऊं, आप पीछे देखिए, ये जो आपको पीली रंग की मशीन नजर आ रही है उसके पीछे आपको आर्मी का जो ट्रक है, आर्मी की जो मशीन है वो भी नजर आ रही है, जो ऑलिव ग्रीन कलर की नजर आ रही है। और ये सेना के जो जवान हैं वो लगातार आज अंदर बाहर जाते हुए भी दिख रहे हैं, सुपरविजन करते हुए भी दिख रहे हैं। ये वैसे भी पूरा जो ऑपरेशन है वो सेना उसका पार्ट है लेकिन एक्टिवली नहीं थी, लेकिन अब जो मैनुअल ड्रिलिंग है उसमें वो उसकी हिस्सेदारी बनेगी, बराबर का काम करेंगी। और 20 लोगों की विशेष टीम है जो मैनुअल ड्रिलिंग के लिए बुलाई जा रही है, उसमें भी फिलहाल इंतजार सिर्फ इस बात का है कि वो जो ऑगर की ब्लेड्स फंसी हुई हैं वो पाइप से जैसे ही बाहर निकले उसके बाद स्थिति को देखकर मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। जी, यानी कि प्रियंका, सेना और एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर अब रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका इन तमाम जानकारी के लिए, आपके पास लौटेंगे। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी अपडेट की बात करेंगे, आपको 3 तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे और 3 तस्वीरों के जरिए हम बताएंगे कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को आज 15 दिन हो गए हैं। मजदूर 12 नवंबर यानी दिवाली वाले दिन टनल में फंसे थे। दिवाली के दिन सुबह करीब 5:30 बजे जमीन धंसने से उत्तरकाशी में 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही सुरंग में मलबा भर गया था, जिसके बाद से मजदूरों को वहां से निकालने की कवायद जारी है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना आ गई है और अब सेना के जवान विशेषज्ञों के साथ मिलकर ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगी। रेस्क्यू का आज 15वां दिन है। ऑगर मशीन की ड्रिलिंग बंद कर दी गई है क्योंकि अभी तक ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की जा रही थी लेकिन हार्ड रॉक होने की वजह से ऑगर मशीन की जो ब्लेड्स हैं वो बीच में टूट गई और इसीलिए फैसला यह किया गया है विशेषज्ञों द्वारा कि ऑगर मशीन का आगे इस्तेमाल ड्रिलिंग के लिए नहीं किया जाएगा। अब सेना मैनुअल ड्रिलिंग करेगी, मैनुअल ड्रिलिंग करके रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाती हुई दिखाई देगी।
और ऐसे मजदूरों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग का भी प्लान बनाया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग की संभावनाएं अब न के बराबर है। फिलहाल सुरंग में 41 मजदूर सुरक्षित हैं, लेकिन अगर वर्टिकल ड्रिलिंग की गई तो टनल के ऊपर बने प्रेशर और मलबे की वजह से पाइप टूट सकती है। हालांकि वर्टिकल ड्रिलिंग की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन अब बात सामने ये आ रही है कि इसे पूरी तरीके से रोक दिया गया है। अब सेना की मदद से सुरंग में मैनुअल ड्रिलिंग की तैयारी की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बताएं कि पहले वर्टिकल ड्रिलिंग की जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन अब वर्टिकल ड्रिलिंग के प्लान को ड्रॉप कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग की संभावनाएं न के बराबर हैं, क्योंकि सुरंग में 41 मजदूर इस वक्त सुरक्षित हैं, और अगर वर्टिकल ड्रिलिंग की जाती है तो टनल के ऊपर बने प्रेशर से और जो मलबा ड्रिलिंग से अगर वर्टिकल ड्रिलिंग होती है तो उस प्रेशर से पाइप के टूटने की संभावना जताई जा रही है, और इसीलिए फिलहाल वर्टिकल ड्रिलिंग का प्लान जो है उसे ड्रॉप किया गया है। ऑगर मशीन के रुक जाने से और प्लान पर बी पर फोकस करने की वजह यह है कि अब सवाल ये उठने लगे हैं कि अब आखिर कितने दिनों के बाद मजदूर बाहर निकल पाएंगे। और जब ये सवाल रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम से किए गए तो उनका साफ यही कहना था कि उनकी पहली प्राथमिकता फंसे हुए मजदूरों की सुरक्षा और उन्हें निकालने के 5 अलग अलग तरीकों पर काम करने की है। 4 और जरिए थे और एक आप समझ लीजिए 5वां भी और एक है। 5वां जो था वो है ड्रिफ्ट वाला तरीका, जो ड्रिफ्ट जो साइड के टनल से खनोच के स्क्रेप करके जो निकालना है, मगर क्योंकि वहां पर फूड पाइप जो है 6 इंच का बना हुआ है, 4 इंच वाला भी वहीं पर है और ऑगर का रास्ता भी वहीं पर है, तो उसके साथ ज्यादा डिस्टर्बेंस करना नहीं चाह रहे थे कि अगर एक साथ इतनी चीजें एक साथ हो जाएंगी वहां तो शायद कोई पाइप वहां पर कोलैप्स हो जाए। तो ड्रिफ्ट वाला तरीका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, मगर वो ऑप्शन आपके पास है। और साइड की ड्रिफ्ट शुरू करने के लिए तैयार रहना है, टॉप डाउन ड्रिलिंग की तैयारी करनी है, और मेरे ख्याल में अगले कुछ 1 या 2 दिन में, शायद उससे पहले, इसकी भी ड्रिलिंग शुरू हो जाए। और जो अंदर हमारे भाई हैं 41 भाई वहां पर जो हैं, उनको स्टेबलाइज करके उनको स्ट्रेंथन करना है, उनका मानसिक जो हालत है उसके ऊपर हर वक्त निगरानी रखनी है, क्योंकि ये ऑपरेशन काफी लंबा चल सकता है। और एक बार फिर से हमारी सहयोगी प्रियंका को रुक कर लेंगे। प्रियंका, अब आगे क्या एक्शन प्लान दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहला एक्शन प्लान तो यही है जिससे हम डे 1 से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ये जो टनल का फेस दिख रहा है यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग चलने का काम फिलहाल रुका हुआ है, यही ऑप्शन 1 है। यही क्योंकि ये सबसे छोटा रास्ता है, तकरीबन 10 मीटर का जो रास्ता वो यहाँ से क्रॉस करना है, जिसको मैनुअली अब ड्रिल करने की बात की जा रही है। इन एनी केस, हालांकि अभी ऐसी प्रोबेबिलिटीज नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो कि ये 10 मीटर का फासला भी हम कवर ना कर पाए तो उसके साथ साथ जो दूसरा जो रास्ता है, जो ऊपर आपको जंगल नजर आ रहा है, कुछ कटे हुए पेड़ दिख रहे हैं, वहाँ से जो रास्ता जा रहा है, बीआरओ ने जो रोड तैयार किए, वहाँ से वर्टिकल ड्रिलिंग का भी ऑप्शन है। और उसको दूसरा ऑप्शन इस वजह से माना जा रहा है क्योंकि दूरी जो है ड्रिलिंग की वहां से 88 मीटर है, जो बाकी सभी ऑप्शंस की तुलना में सबसे कम है। लेकिन अभी भी जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि पहली होप जो है वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, जो कि बिल्कुल मुहाने से हो रही है सिलक्यारा टनल के, उसी से लगाई जा रही है। हालांकि ऑप्शंस और भी हैं, 5 जगहों से धीरे धीरे काम बढ़ भी रहा है, लेकिन पहली उम्मीद जो है वो सिलक्यारा टनल के मुहाने से जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही है उसी से लगाई जा रही है। जी, और प्रियंका, कब तक उम्मीद करें कि ड्रिलिंग दोबारा से पूरी तरीके से शुरू हो पाएगी? आप देखिए अंकिता, जिस तरीके से फिलहाल काम चल रहा है, तो अगर मान लीजिए आज शाम तक भी ये तमाम ब्लेड कर जाती, क्योंकि इन जिन ब्लेड्स की बात कर रहे हैं ना, वो ब्लेड्स जो है आपको मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करती हूँ, वो जो ऑरेंज कलर की ब्लेड्स नजर आ रही हैं, ये ऑगर की ब्लेड्स हैं। और इस तरीके की तकरीबन 45 मीटर की जो ब्लेड्स थी वो पाइप्स के अंदर थी, उनको पाइप के अंदर से काटना, और इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो पाइप बिछाया गया रेस्क्यू के लिए उसको नुकसान ना हो, काम बहुत बड़ा है। ऐसे में फिलहाल जो जानकारी हमें मिली थी, तकरीबन 22 मीटर तक काट लिया गया है, लेकिन अभी भी 25 मीटर के लगभग बाकी है। इसमें अगर आज पूरा दिन चला जाता है तो उसके बाद मानकर चलिए कि तकरीबन 1 दिन यानी कि 24 घंटे और लगेंगे मैनुअल ड्रिलिंग करने में 10 मीटर की, तो अभी 1 से 2 दिन का समय तो मान के चला ही जा रहा है। जी अंकिता,